आज इस वीडियो में जिस टॉपिक का जिक्र है, जिसके बारे में पढ़ाया जाएगा वर्ग दशम के संस्कृत के रूप में, वो शीर्षक होगा समासा समास। आज आप लोग व्याकरण खंड का समास पढ़ेंगे। चार अंक का समास भी आता है। वैसे समास ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा का मतलब कि मुख्य रूप में समास 6 से 10 तक की उनकी संख्या हो जाती है, लेकिन आपको मात्र मुख्य 4 ही समास पढ़ना है सिलेबस में। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पाठ्यक्रम में जितना निर्धारित है, उस आधार पर मैं सिर्फ आपके सिलेबस में निर्धारित समासों के बारे में ही इस वीडियो में बताऊंगा। रही बात डीप स्टडी, तो आपकी मर्जी पर है कि हम इसकी डीप स्टडी करें या ना करें। बाकी समासों के बारे में जाने के नहीं जाने वो आप पर निर्भर करता है। ऐसे मैं संकेत दे दूंगा, समास को पहले ये समझ लें कि समास क्या है। जब दो पद आपस में मिलकर तीसरे संक्षिप्त पद का निर्माण करते हैं जो छोटा हो जाता है, वो समास कहलाता है। हालांकि ये सब जो व्याख्या है जो मैं बता रहा हूँ, परिभाषा इस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएंगे। मैं इस बिंदु पर स्टेज जोड़ दे रहा हूँ ताकि यदि परिभाषा जो है उसको आप रखना शुरू करेंगे, तमाम परिभाषाएं होंगी तो आप उसे बोल समझे, दिमाग में बिठा लें। परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बोल बिठा लें कि इस समास में ये तत्व पाया जाता है, इसमें ये पाया जाता है, उससे आसानी से आप इसकी पहचान कर लेंगे। तो जब दो पद आपस में मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं वो समस्त पद कहलाता है। जैसे सेना यापति, तो सेनापति, यह से सेनायापति से सेनापति थोड़ा छोटा हो गया, और अर्थ ज्यो का त्यों रहा। तो दोनों पदों को मिलाने में खास करके ध्यान रखना पड़ता है कि शब्दों में तो कमी आए लेकिन अर्थ में कोई कमी नहीं आए। ये नहीं कि जिसको जैसे चाहा मिला दिया, ये संभव नहीं है। इसके लिए नियम कायदे कानून वगैरह इसके बनाए गए। तो अब उस पर आप धीरे धीरे ये बात आप समझेंगे कि किस कायदे पर कौन सा होगा, उसका भी कायदा। ये नहीं कि किसी को हम किसी में जोड़ दे, संभव नहीं। अब इस समास के 4 प्रमुख भेद आपको पढ़ने हैं। तत्पुरुष, तत्पुरुष बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और द्वंद। ये 4 मुख्य जो समास हैं ये आपको पढ़ना है। इसमें द्विगु और कर्मधार है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं ये जानकारी आपको जरूर दे रहा हूँ कि ये दो समास होते हैं, लेकिन उसका जिक्र इसमें नहीं दिया जाएगा। अब तत्पुरुष के यहाँ 3 भेद आपको पढ़ना है। पहला है विभक्ति तत्पुरुष, दूसरा है नय तत्पुरुष और तीसरा है उपपद तत्पुरुष। और दूसरा समास है बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और द्वंद। ये आपको पढ़ना। तो सबसे पहले हम आज तत्पुरुष की ओर ही बढ़ते हैं, चूंकि पहले इसी को लिखा भी गया है। तो पहला है विभक्ति तत्पुरुष। विभक्ति तत्पुरुष का मतलब हुआ कि द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियां मिलती हैं, इनका प्रयोग मिलता है द्वितीय से लेकर सप्तमी तक। यही समास यदि जो हिंदी में जिन्हें पढ़ना है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, तो सारा कुछ लगभग एक सा है। विग्रह सिर्फ संस्कृत में होगा आपका और उनका हिंदी में होगा। अब जैसे सेना या पति आपने देखा तो बोलेंगे सेना का पति, का लोप हो जाएगा और सेनापति हो जाएगा।
तो जैसे हम लोग बोलेंगे द्वितीय तत्पुरुष, उसको हिंदी में लोग बोलेंगे कर्म तत्पुरुष। समझने के लिए अभी रख सकते हैं, तो द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्ति इसमें रहेगी, विभक्ति तत्पुरुष में। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष, संबोधन तत्पुरुष नहीं होता है। तो द्वितीय तत्पुरुष में कहा गया कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आपको मिलेगा, जैसे कृष्णम आश्रिता, कृष्णम में द्वितीय एक वचन है, तो शब्द आपको बनेगा कृष्णाश्रिता, मतलब कृष्ण का जो आश्रय लिए हुए हो, द्वितीय तत्पुरुष है। तृतीय तत्पुरुष में आप देख सकते हैं मदेन शून्य, मदेन में तृतीय विभक्ति है, मद से शून्य तो हो जाएगा मद शून्य। पाठाय शाला, पाठ के लिए पढ़ने के लिए शाला, ये आपको हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष। वृक्षात पतितः पेड़ से गिरा हुआ हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष। और सेनायापति जो मैं पहले आपको कहा था, ये हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। और इसके बाद है सप्तमी तत्पुरुष। अब न्याय पंडित तो कहा कि न्याय पंडित, तो न्याय पंडित ये हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष। मैंने इसमें द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियां जो है सो इसमें मिलती है, लगाया भी जाता है। इसे ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके और उत्तर पद की विभक्ति के साथ मिलाकर समास का शब्द बनाया जाता है, और विग्रह में पूर्व पद के साथ अर्थ के अनुसार विभक्ति लगाई जाती है। ये द्वितीय से सप्तमी तक में आप इस तरीके से तत्पुरुष को समझेंगे, कर्म कारक से अधिकरण कारक। अब इसके बाद जो दूसरा है ये है नर तत्पुरुष। इस समास में क्या होता है कि जब शब्दों को नकारात्मक बनाने के लिए, मैंने नकारात्मकता का बोध होता है इसमें, शब्दों को नकारात्मक बनाने के लिए पहले अ या अन लगाकर, अ या अन लगाकर शब्द बनता है। जैसे नउपयुक्त, अनुपयुक्त जो उपयुक्त नहीं, न ब्राह्मण अब्राह्मण, न क्षत अक्षत जिसमें टूटा हुआ टुकड़ा नहीं हो, न ज्ञानी अज्ञानी, ऐसा नय तत्पुरुष। और सबसे अंत में जो समास इसमें आप देख रहे हैं उपपद तत्पुरुष, इसमें क्या होता है कि एक चीज पाएंगे उपपद तत्पुरुष में कि जब आप विग्रह करेंगे उपपद तत्पुरुष का, तो उसके विग्रह में भर्व क्रिया लगभग आपको मिलेगी। जब संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का समास बनाने के लिए क्रिया पदों को संज्ञा के रूप में पूर्व पद संज्ञा सर्वनाम के साथ मिला करके ये बनाया जाता है। जैसे देखें इंद्रम जयति, मतलब इंद्रम जयति इति, इंद्र को जीतता है जो, तो इंद्रजीत क्रिया प्रयोग आपको मिलेगा। जलम ददाति तो जलद, ग्रामम गच्छति तो ग्रामग, और नीरात जायते इति तो हो जाएगा नीरज। ये आपको ऊपर तक उसमें। अब आप द्वितीय से सप्तमी तक की विभक्ति रहेगी विभक्ति तत्पुरुष में, और नए तत्पुरुष में नकारात्मकता का बोध होगा, और उपपद तत्पुरुष में क्रिया संज्ञा सर्वनाम ये सब के मिश्रण से इसमें, लेकिन विग्रह में क्रिया आपको जरूर मिलेगी जब उसका विग्रह होगा। ये रहा। अब दूसरा इसके बाद जो समास आपको पढ़ना है वो है बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि समास जो है इसमें क्या होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद की इसमें प्रधानता नहीं होती है। जैसे अव्ययीय तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, या तत्पुरुष समास की ये जितने भी आप भेद देख रहे हैं, जैसे विभक्ति तत्पुरुष है, नय तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, सब में आपको उत्तर पद की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास में।
लेकिन इसमें पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता नहीं हो करके अन्य पद की प्रधानता होती है तो बहुव्रीही समास होता है, अन्य पद प्रधानो बहुव्रीही कहा दिया। और इस समास में अन्य पद के अनुसार ही बनने वाले जो पद हैं वो लिंग विभक्ति वचन वगैरह निर्धारित उसके मुताबिक होता है। जैसे पीतम अम्बरम यस्य स, पीतम अम्बरम, पीतम मतलब पीला, अम्बरम मतलब वस्त्र, यस्य मतलब जिसका, स मैंने पीला हो वस्त्र जिसका पीताम्बर होगा, इस तरीके से दिख रहा होगा। अन्य पद की प्रधानता होगी, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को दर्शाने की प्रक्रिया होगी आपको बहुत जरूरी। जैसे और भी आप देखें, पीताम्बर हो गया, चक्रपाणि जिसके हाथों में चक्र हो, सामान्य व्यक्ति भी चक्र धारण कर तो चक्रपाणि नहीं होगा, विशेष अर्थ का बोध कहलाता है ये बहुव्रीही समास, इसमें आपको पीताम्बर हो जाएगा, चक्रपाणि हो जाएगा, वीरापाणि हो जाएगा, ऐसे तमाम इसके उदाहरण। और इसके बाद जो समास पढ़ना है वो है आपको अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास के लिए भी कुछ नियम निर्धारित है कि अव्ययी भाव समास, लेकिन आपके लिए जो नियम निर्धारित है जितना आपको पढ़ना है उसमें निम्न आपको उपसर्ग जो है, अव्ययी भाव समास का पहला पद जो है वो उपसर्ग होता है या अव्यय होता है, तो निम्न ही उपसर्ग आपको पढ़ना है जिस पर आपको परीक्षा में पूछेगा। पहला है उप, उप का मतलब होता है नजदीक, उप का मतलब होता है नजदीक, जैसे उपवास है, उपस्थित है, तो समीप के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये इसका रूल है, नियम है। जैसे रामस्य समीपम तो उपरामम, प्रधानमंत्री न समीपे तो उप प्रधानमंत्री, तो नजदीक अर्थ का बोध होता है इसमें उप में, एक ये आपको है। दूसरा है नीर या निश, इसका विग्रह होता है, अब इसमें नीर या निश का अर्थ होगा अभाव, मतलब नहीं होना, इसका भी प्रयोग षष्ठी विभक्ति में ही होगा, जैसे जना नाम अभाव तो निर्जनम, मैंने जहां मनुष्यों का अभाव हो उसको क्या बोलेंगे, निर्जन। लोग बोलते हैं कि निर्जन जंगल, तो निर्जन का मतलब डरावना नहीं होता है, जैसा कि लोग कुछ उल्टा समझ लेते हैं, निर्जन का मतलब डरावना नहीं होता है, निर्जन का मतलब हुआ वह जगह जहां मनुष्य की आवाजाही न हो, जहां मनुष्य न दिखे, उसे बोलेंगे निर्जन। फल से अभाव तो निष्फलम, ये निश उपसर्ग से हो। इसके बाद आपको है अनु उपसर्ग, अनु का मतलब होता है पीछे, बाद में, जैसे अनुज बाद में जन्म लेने वाला, यहां भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होगा, जैसे रामस्य योग्यम तो कहेगा कि अनुराम, अब प्रयोजन से पश्चात तो अनुप्रयोजनम, फिर है प्रति उपसर्ग, तो प्रति का मतलब होता है दोहराना, विपसा, यहां द्वितीया भी लगती है और सप्तमी भी लगती है इसके साथ में, जैसे गृहम गृहम इति तो प्रति गृहम, गृहम गृहम द्वितीय विभक्ति में भी होगा, और यदि हम ये कहेंगे कि गृहे गृहे इति तो प्रति गृहम सप्तमी में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों हो सकता है। इसके बाद उपसर्ग आता है यथा, यथा का मतलब होता है उल्लंघन न करके, जिसको हम लोग बोलेंगे अनतिक्रम्य, यहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे बलम अनतिक्रम्य तो यथा बलम, और शक्तिम अनतिक्रम्य तो यथा शक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार। इसके बाद उपसर्ग आता है स, स का मतलब होता है साथ, वी साथ में, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे रामे न स तो स राम, पत्निया स तो सपत्नी का, घृतेन सहितम तो स्वघृतम, ये आपको अव्ययी भाव समास में आपको इतने ही उपसर्ग से संबंधित प्रश्न होगा जो पूछा जाएगा। और सबसे जो अंतिम समास हो रहा है वो हो रहा है द्वंद्व,
तो इसके बारे में कहा जाता है कि चार्थे द्वंद्व, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और च द्वारा जुड़े होते हैं, च से जुड़ जाते हैं। जैसे माता च पिता च माता पितरौ। अब यदि कल हम पितरौ भी लिखेंगे तो सही ही होगा, क्योंकि पिता शब्द का प्रथमा द्विवचन में ही पितरौ होगा। तो द्वंद्व समास से भी शब्द आकर्षक होते हैं, जैसे आजकल एक नारा हो गया है आमसा, लोग राधे राधे बोलते हैं। तो राधे का मतलब सिर्फ राधा नहीं है, कृष्ण और राधा दोनों है, क्योंकि राधा शब्द का जब आप रूप चलाएंगे तो राधा राधे राधा चलेगा। राधे चूंकि द्विवचन में है इसलिए राधे का मतलब ही हुआ कृष्ण और राधा दोनों, ये द्वंद्व समास। जैसे पितरौ है राधे है, कृष्णे है। तो पूरी आप देखेंगे एक बार फिर समुचे को, तत्पुरुष समास के दो भेद यहाँ द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति लगती है। नकारात्मकता का ये बोध कराता है न तत्पुरुष, और ऊपर तत्पुरुष भी इसी का एक रूप है। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो देखेंगे उसमें क्रिया जो है सो अवश्य होती है, और बहुव्रीहि सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बताता है। और अव्ययीभाव समास का पहला पद उपसर्ग अव्यय होता है, तो सारे अव्यय आपको उपसर्ग बतला दिए गए कि किस किस अव्यय के साथ आपको अव्ययीभाव का प्रयोग करना है, आपने पाठ्यक्रम को बता दिया। और द्वंद्व समास इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, स्व द्वारा जुड़ जाते हैं। अब जैसे देखिए कंदम च मूलम च फलम च, तो हो जाएगा कंद मूल फलानी, यहाँ आपको बहुवचन में आएगा, क्योंकि तीन हो जा रहे हैं, दो होता तो द्विवचन में होता और एक होगा तो द्वंद्व होगा ही नहीं, चूंकि वो मिलेगा ही कहाँ से कम द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग होता है। ये पूरी जो आपके सिलेबस में पढ़नी है वर्ग दशम में, समास की जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई। जब इसका लाइव क्लास चलेगा समास का, तो उसमें इससे संबंधित आप सारे प्रश्न जो आपके दिमाग में आएंगे या नहीं समझ पाएंगे उसको आप पूछ पाएंगे, प्रश्नों को तरीके से जहाँ प्रॉब्लम होगी समझ पाएंगे। मेरा नंबर भी सर्वसुलभ है, कोई परेशानी है तो आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो लिख करके व्हाट्सएप पर भी डाल सकते हैं, सबका जो उचित समाधान होगा, जो संभव होगा सब समाधान होगा। और एक इसमें काम करेंगे जिसे आप लोग होमवर्क में माने कि प्रत्येक समास का पांच पांच उदाहरण आपके पास जो मौजूद बुक है व्याकरण की, उससे हेल्प लेकर मदद लेकर आधार लेकर प्रत्येक समास का पांच पांच उदाहरण विग्रह के साथ बनाएंगे। यही आप लोगों का होमवर्क होगा।